सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, कहीं ना कहीं से आप लोगों को अच्छा से अच्छा मुर्रा पशुधन है दिखाने का प्रयास रहता है, जो आज उसी प्रयास को बढ़ाते हो। जो आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा यादव डेयरी फार्म से। और आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़बरदस्त हम बात करें दूध लाइन की, और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी खासी जोटी है वो हमें यादव डेयरी फार्म से देखने को मिलेगी। इस जोटी की भाई मंजी से डिटेल्स लें, लेकिन उससे पहले जो भी भाई अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। एड्रेस आप लोगों को बताना चाहूँगा जी, गाँव खेड़ा थरू, डिस्ट्रिक्ट लगता है जी झज्जर, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मिलवाना चाहिए भाई मंजीत से, और जो इस जोटी की डिटेल्स है वो लेंगे। बादशाह नमस्कार। नमस्कार साहिल भाई, सबसे पहले तो आप इतने दूर से आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितने भी पशु प्रेमी भाई जुड़े हुए हैं, जो अच्छे पशु देखने के, बेचने के, खरीदने के शौकीन हैं, उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। तो आज हैं जो हमारे से जो जोटी दिखा रहे हैं इसकी डिटेल्स बता दीजिए भाई साहब। कौन सी की बताएं, इधर से इधर से? इसकी तो भाई साहब सभी जानते हैं, इसको पीछे देखें, पहले इससे शुरुआत करते हैं। तीसरे ब्यांत की है। हाँ जी। और अभी अपने घर पे आए, इसको लगभग तीसरा चौथा दिन आया। अच्छा जी। और चौथे दिन की मैं आज घर आए, कटड़ा नीचे, इसमें मौके पे दूध है, 20 लीटर तैयार है। 20 लीटर दूध तैयार आज तैयार है। अच्छा जी। फेक दूध नहीं है। हाँ हाँ। जहाँ से हमने परचेज की है। हाँ जी। जब जिस चीज से हम प्रभावित हुए थे। हाँ हाँ। वहाँ पे इसका एक टाइम का टाइम दूध रोक के और 21 लीटर दूध दिखाया गया। अच्छा जी। लेकिन जेन्युइन दूध 20 लीटर है, कांटे का 18.5-18 एक टाइम का 21 दिखाया था या फिर दोनों टाइम का मिला के? नहीं, एक टाइम का दूध बताया था 20 और 19 और दूध निकला था 21, यानी लीटर में एक टाइम का 11 लीटर से प्लस अभाव ले गए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो अपने घर जो आज जेन्युइन दूध है, कांटे का 18.5-18 किलो है, 4 दिन अपने घर आए हुए हैं। ठीक है जी। जिस भाई से ली थी उसने स्पष्ट बता दिए चीजें। अच्छा जी। ठीक है कि ऐसे ऐसे वैसा ही है और ये बात है। हाँ हाँ। ठीक है, चौड़ाई की साफ सुथरी है। हाँ जी। और 20 किलो दूध कंप्यूटर कांटे का निकालेगा। अच्छा जी। उम्मीद है चुवाई करवा के बेचेंगे। हाँ हाँ। क्योंकि परमात्मा की दया से जो एक ऐसा टाइम है, इसमें 15-16 किलो की भैंस बंदे को लगनाओ की बात है। बिल्कुल जी। और अपने यहाँ पे ये भैंस हर एक साल इस टाइम में 2 भैंस वो परमात्मा है वो 20+ की देता है। अच्छा। तो आप उस लाइन में इस भैंस को मान रहे हैं। मान रहे। ठीक है। ठीक है। तो आज कितने दिन की ब्याई हुई हो चुकी है? हुई भाई लगभग मान के चलो महीने के आसपास की मान। ठीक है जी। साथ में मेरी बाप है। हाँ जी। दिखने को कच्चा दिख रहा है बैठा, थोड़ा बता भी दें। हाँ जी। ये 20 दिन का है, 25 दिन का है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, खरीदी है 2-4 दिन अगला बोल दे। हाँ हाँ। और एक चीज मानते हैं, जब लड़ाई 20, 18 या 22 की आती है। हाँ हाँ। और आप सभी भाइयों को पता है नेचुरल दूध के समर्थक है। बिल्कुल जी। क्योंकि पीने वाले भी हमारे भाई है, दूध अगर हम इसका निकाल के किसी को बेचते हैं, वो भी अपने भाई हैं, चाचा ताऊ बेटे जो भी लगते हैं। बिल्कुल जी। एज के हिसाब से वो सभी अपने हैं। बिल्कुल। तो 20-22 दूध जब होता है तो भैंस के बच्चे की तरफ कोई नहीं देखता, भैंस चाहे ब्याह हो वैसे 3 महीने। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दूध की लड़ाई है, वो तो दूध ही पूरा करेगा। बिल्कुल जी। तो ब्यूटी है भैंस में, ये नहीं की भाई अकेला दूध है, ऑर्डर देखो चाहे कोई भाई 5 लाख की भैंस बांध के खड़ा हो, पास बांध देना, फंस के खड़ी हो जाएगी। एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए, सींग शरीर पे जमता हुआ, बिल्कुल छोटा सींग है जी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी, बिल्कुल बारीक चामी और अडर ये देख सकते हैं। जैसे कि भाई साहब ने कहा था, जब खुल के चलेगी जो अडर होगा वो किसी किसी पशुधन में देखने को मिलता। तो आज 20 लीटर दूध मौके पे तैयार है, 18.5 किलो कंप्यूटर कांटे का वेट, 18.5 किलो दूध कांटे के तोल का, जो कि भाई साहब इसमें प्रेजेंट में बता रहे हैं। तो अगाड़ी क्या कुछ निकाल रही भाई आज? अगाड़ी है भाई 2.5 किलो तोल की, 2.5 किलो तोल की, जो कि कांटे के तोल की अगाड़ी है, फिलहाल प्रेजेंट में निकाल रही है जी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी। खाने पीने में भाई साहब? खाने पीने में है, तभी इतना दूध दे रही है, अभी तो वैसे अपने पास तो इतनी सेट नहीं हुई। अच्छा जी। लेकिन दूध वाली भैंस है, मतलब दूध निकालेगी कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल जी। वो बोलते हैं ना किसी की बाजू में जान होगी। हाँ हाँ। तो इसके अलग में आधे के दूध निकाल लेंगे। बिल्कुल जी। नरेश बेनीवाल भाई ने कहा था। हाँ हाँ। मैं कहा जोटी कितना दूध देगी देख के, बोला दूध अपनी मेहनत पे, इसके अलग में आधे के निकाल लेंगे। बिल्कुल जी। तो वही की वही सेम सिचुएशन है। ठीक है। तो अडर आप देख पा रहे हैं, अडर में किसी भी
प्रकार का जो कि अनबैलेंस है वो नहीं है जी, और क्वालिटी काफी अच्छी। हाँ जी, आज कोई किसी को नहीं, अपने पल्ले पड़ी, अपने को बेचनी है, किसी को खरीदनी है, ये बिकनी है। हाँ हाँ, ये आज जितने भाई सोशल मीडिया पे देख रहे हैं 100% दुनिया बोलती है 110% ये भैंस बिकनी है। बिल्कुल जी, वीडियो पढ़ते ही बिकेगी। हाँ जी, लेकिन जो ये साइज है ना, हाँ, ये पीठ फुट ठाड़ा साइज भाई साहब बहुत कम भैंसों में मिलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, पूरी क्लियर जो चीज आज पंचायत चीज बताऊं, घड़ी नहीं बताता, घना ज्ञान भी परेशान कर दिया। अच्छा जी, काम खामे छाना पा जाए। जो भैंस का जो यो पुट्ठा का साइज है, भैंस की जो या चमड़ी है, गाड़ी में चढ़ाते टाइम इस साइड डंडी मार रखी, एक बार दिखा दो कैमरा नीचे। हाँ जी, उस भाई ने हल्का हाथी डंडी मारी थी, इसकी खाल उतरे आओ पीछे पीछे, ये देख सकते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल। और यो लेवटा देख लो भाई, लेवटा काफी जबरदस्त है, बिगेस्ट अडर मुर्रा। वो केने इन दिनों दी, हाँ हाँ, वो पैर अन्नो ले समट का कट्टा हलट के, हाँ हाँ, वो सोदा है ये समट का कट्टा था भाई, जड़ा है, जड़ा है यो कट्टा को नहीं, पट हमारे रो कट्टा को नहीं, जड़े भी नहीं है। अच्छा अच्छा, जो खाली हो जाओ उस साइड। ठीक है जी, ठीक है। और फॉरवर्डर भी आपको एक बार दिखाना चाहेंगे जी, नसों से बिल्कुल भरा हुआ अडर है, वो देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक साफ साफ दुधारू पशुधन को ही प्रमाणित होकर दी। ठीक है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी, लीटर का 20 लीटर दूध मौके पे तैयार, काटे के तोल का देखोगे तो 18 से 18 किलो दूध पर जेंट में तैयार। हाँ जी, कोई भी भाई हो चाहे, हाँ 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 जी, जब घर से काटा लेके चलने का दम हो ना, हाँ हाँ, तो पैसे भरने का भी होना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए ये 18 को 20 किलो भी करूँगा तो इसकी भी ताकत लगेगी और मेरी भी। बिल्कुल जी, तो वो चीज़ें आप अपना जो लेने वाला है। बिल्कुल जी, तो इस टाइम में इतने दूध की भैंस मिलना काफ़ी बड़ी बात है, और दूध के साथ साथ जो ब्यूटी है जोटी में वो भी काफ़ी अच्छी है, वो हमें इसमें देखने को मिल रही है जी, काफ़ी लाजवाब है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वो भाई बीमार थे लंबे टाइम से, हम वो परेशानी नहीं, लेकिन फंक्शन शो पे नहीं देता। बिल्कुल जी, अब संतुष्टि कैसे हुई, कोई 20 लाख की खरीद रहा है, कोई 25 की, कोई 30 की, 10 वाली को 20 की बता रहे, ट्रेंड बना के। हाँ, मनजीत भैंस वाला भाई अपने पास आए थे। हाँ जी, जिस टाइम ये भैंस आई उससे 1 महीने पहले। अच्छा जी, तो मजाक कर रहे थे, बोला 25 किलो दूध जोएगा ना उस दिन यादव तेरे को मानेंगे। हाँ हाँ, और व्यापारी लाइन का अगर मतलब जो छाप है ना तेरी, उसमें एक भैंस रखी हो। अच्छा, अपने घर मैं तब मानूंगा। हाँ हाँ, मैं आज उस भाई को उस दिन है ना एक चीज कही थी, मैं कहा भाई देख काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन परमात्मा ने इतना कुछ दिया, किसी का IPS लग गया हो, IAS लग गया हो, किसी का कोई घर पे, कोई अपने आप में फनने का पोस्ट पे हो। बिल्कुल जी, आप इनसे संतुष्ट है। हाँ जी, तो भाई ने मजाक, उसने मजाक किया, भाई ने भी कहा का भाई सीरियस बता रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा परमात्मा हमें 30 किलो दूध की भैंस देगा, तू 25 की कह रहा है, आज हमें 25 पे पहुंचना होगा, लेकिन एक दिन 30 की मिलेगी। बिल्कुल जी, तो अभी वो 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर मेरे पास आया, एज वाली बात में आया, मेरे गाँव में मिल गई, बताओ। बिल्कुल जी, 22 किलो दूध दो दांत में निकाला, 29 किलो दूध कांटे का इस बार था, 28 किलो 66 ग्राम का लाइव रिकॉर्ड करवाया। बिल्कुल जी, 3 महीने की ब्याई हुई, 3 महीने से 5-4 दिन ऊपर की ब्याई हुई, मैं नरेंद्र सेक्रेटरी डिडवाड़ी अपने घर आके 27.5 किलो दूध का कांटा 2 बार 3 बार किया, प्यारेलाल मोदी आया उस दिन किया, मनजीत भैंसवाल संदीप सांगवान आया उस दिन किया, तो जो ये रिकॉर्ड है कोई 6500 का, कोई 8500 का, कोई कागजों में कुछ चढ़वा के बैठा है, कोई बाल्टी को मिट्टी, किसी ने टिक्का लगा दिया, किसी ने बाल्टी बदल दी चुवाई के बाद में तोलते थे। हाँ जी, साफ सुथरे तरीके से ये एक दिन चित करेंगे। बिल्कुल जी, अभी जस्ट किए हैं, कितने महीने की ब्याई हुई हो चुकी है? 5 महीने 9 दिन की ब्याई हुई है। 5 महीने 9 दिन की। हाँ, और आज मौके पे 20 किलो दूध 1950 काटे का है। अच्छा, जो वो दूध है जो सुबह बांध देते हैं, गर्म हवा चलती है, मजे मस्ती में जैसे दे रही है वैसे। ठीक है जी, जिस टाइम 3-4 महीने की बिल्कुल हाथ पास हो जाएगी संतुष्ट, ये नहीं की हम इसको आज बता दे 3 महीने की और चुवा दे और फिर बाद में बच्चा देगी, वो तो आगे तो पता चलना है। बिल्कुल, आज नाम अच्छा बुरा जो भी नाम है पब्लिक में वो और खराब होगा आगे। बिल्कुल, कोई बताया कुछ, अभी बच्चा ही नहीं दिया। हाँ हाँ, कन्फर्म करके दूध दिखाएंगे और ऐसा दूध दिखाएंगे परमात्मा ने चाहिए तो, कि जो देखने वाले भाई हैं उनकी रूह खुश हो जाएगी। अपना मित्र है एक अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, उस भाई का फोन आया था। अच्छा, तो जिस टाइम बैस के अपन हाथ पास हो जाए ना, 17-18 किलो दूध दिखा दिए, रूह खुश हो जाएगी, बोला बैस का बच्चा भी ले लूंगा,
और जितना मन करे पैसा ले लिए भैंस का भी दे दूंगा, लेकिन हाँ। पैसा अपने को बेचनी नहीं। हाँ जी। और ना बच्चा बेचना। ठीक है भाई, बोले ग्राहक ने भगवान का रूप मोहम्मन जी थे। हाँ। तो मैंने बोला भाई ये बात पैसा दे के जानी। हाँ। मगा भाई हम भी कह रहे दे के आया था भगवान तो कोनी। हाँ हाँ। पर हम पितर देवता के भी तो आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यार अगला दे देने दी पहला हम भी तो कि भगवान पर कह रहे। बिल्कुल जी, अगला ले जाने के बार ले जा रहे 1 किलो कम दे दे सोशल मीडिया पर मटक मटक नाच नाच बता देगा कम दिया धोखा हो गया। ये आगे जय दो फट बच्चा मत लगाओ। व्यापारी का बीज जहाँ बावड़ की फोन नहीं करता का उल्टी ले ले तेरी बैस। बिल्कुल जी, जो करा ना कभी अपनी छाती पे पत्थर धर की करा। ठीक है, आपकी बिगड़ी गुंडी बहन में सुधारा और दाप की शुद्धी भैंस है वह बिगड़ जाके वह ना सुधरा वह सुधरा 50,000 का घाटा थी। बिल्कुल जी, तो भाई जितना कोशिश करियो मतलब जो मैं जितना मैं संतुष्ट हूँ मैंने रण दो और आइंदा कोशिश करांगा कि किसी भी कोई भाई गलत करे हो हमारा तुम मत उठाओ। बिल्कुल, उसके बारे में कुछ कहता है। ठीक है, ठीक है, पैसा चिल्ला के तो ले लियो। आपने बहुत लंबा वीडियो में अपना टाइम दिया, बहुत मेहनत हो एडिटिंग में। बिल्कुल, धन्यवाद सारा भाई है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है जी, और फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।